नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आज के दिन के बारे में कि आज के दिन हमें ऐसे कौन से पैटर्न देखने को मिले हैं जिससे दोस्तों हम कल के दिन में नए ट्रेड अपने बना सकते हैं। दोस्तों आज के दिन में हमें बहुत ही बेहतरीन पैटर्न देखने को मिले हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, और उन पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप कल के दिन ट्रेड बना के आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे, और पहले मैं लेके जाऊंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि जितनी भी डिटेल्स हम यानी कि चार्ट से रिलेटेड हम जो भी चीज पोस्ट करते हैं वो पोस्ट करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे, और जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं तो पहला स्टॉक बात करेंगे दोस्तों जो है अदानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस में एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न देखने को मिला है। तो हम अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पे जाते हैं और दोस्तों इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पे हम गए और यहाँ पे हमने क्या करा, अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट आपके सामने लगा दिया, ये देखेंगे दोस्तों। और अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पे हम बात करते हैं तो यहां पे देखेंगे कि ये जो ट्रेंड है आप देख रहे हैं इस स्टॉक में, क्योंकि यहां पे देखेंगे तो दोस्तों इस स्टॉक में लगातार निरंतर तेजी दिखती हुई जा रही थी। और दोस्तों अदानी एंटरप्राइजेस का अभी जो हाई लगा है, लेटेस्ट जो हाई है दोस्तों वो लगा है 944 के आसपास का। तो यहां पे दोस्तों हमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला था, मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, शूटिंग स्टार इन अदानी एंटरप्राइजेस। अब यहां पे दोस्तों यहां पे सेलिंग इस पे कंफर्म हो गई थी, और दोस्तों आज हमें ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर देखने को मिला था। तो ये जो एरिया है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो एरिया दोस्तों, ये जो एरिया था वो सेलिंग का एरिया था, मैं लिख देता हूं दोस्तों सेलिंग एरिया था। और यहां पे दोस्तों अगर आप पोजिशन शॉर्ट बनाते तो अभी जो फिलहाल इसने जो क्लोजिंग करी है वो करी है दोस्तों 919.10 रुपए की। अब मैं बात करता हूं कि आप अगले दिन में कैसे आप ट्रेड बना सकते हैं, तो बात करेंगे दोस्तों यहां पे जो सेलिंग कंफर्म हुई है वो ये 910 रुपए पे एग्जैक्ट जो सेलिंग हुई है, और इसमें जो SL है, SL में यहां बताते तो 944 का SL है दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं टारगेट की बात करूं तो टारगेट जो हमें लग रहा है इसमें फिलहाल लग रहा है दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं 860 से 870 के बीच का हमें टारगेट देखने को लग रहा है। क्यों, रीजन क्या, क्योंकि शूटिंग स्टार बना है, इसकी सेलिंग की कंफर्मेशन आ चुकी है, और ये जो स्टॉक है दोस्तों इस एरिया में क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, और स्मॉल ट्रायंगल पैटर्न भी इसने यहां पे क्या बना दिया है। अब यहां पे हमें ये लग रहा है कि आप अगर इस स्टॉक में सेलिंग बनाते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है 944 का, और आप में से कई लोग ये जानना चाह रहे होंगे भाई इतने बड़े स्टॉप लॉस में हम काम कैसे करें, तो कहना चाहूंगा अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख सकते हैं, या फिर आप ऑप्शंस में काम कर सकते हैं, आप इसकी पुट भी खरीद सकते हैं, हम चाहे तो कॉल राइटिंग भी कर सकते हैं। तो यहां पे कहना चाहूंगा अच्छा स्टॉक है, अच्छा पैसा आपको दे सकता है, बट आपको दोस्तों क्या करना है, इसमें ट्रेड बना के दोस्तों स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आपको लगाने हैं, और हमारी पूरी आशा दोस्तों इस स्टॉक में हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। रीजन दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिला है, और यहां पे इसने ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म्ड कर दिया है, और इसकी सेलिंग दोस्तों हमें देखने को मिली है। और डायवर्जेंस की बात करूंगा दोस्तों, डायवर्जेंस भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, और दोस्तों यहां पे अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड बनाते हैं तो आपको अच्छा खासा पैसा आपको मिल सकता है। तो यहां पे दोस्तों अगले स्टॉक की बात करेंगे, वो है दोस्तों अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में आज हमने आपको बताया था कि आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं, अमर राजा बैटरी के स्टॉक पे जाते हैं, और दोस्तों यहां पे हम समझते हैं, पहले तो दोस्तों यहां पे बेरी शेयर अभी पैटर्न मिला था, और यहां पे दोस्तों ये इसने क्या है, इसका हाई ब्रेक कर दिया, बट यहां पे अमर राजा बैटरी के चार्ट पे हम जाते हैं तो यहां पे देखते हैं कि यहां पे हमें डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल गया है। तो ये क्या है दोस्तों, टॉप वन, और दोस्तों ये क्या है, टॉप टू। तो टॉप वन और टॉप टू, टॉप टू जो है वो हाइयर है टॉप वन से, और यहां पे दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले हैं, और यहां पे हमें इस एरिया में अगर आप देखते हैं दोस्तों तो यहां पे हमें क्रॉस ओवर भी देखने को मिला है। तो क्रॉस ओवर भी देखने को मिला है और साथ साथ डबल टॉप पैटर्न भी मिला है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें लग रहा है कि इसमें भी एक बड़ी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। तो इसका भी टारगेट जो हमें दोस्तों लग रहा है वो 906 से 907 रुपए के आसपास का टारगेट हमें अमर राजा बैटरी में लग रहा है। तो इस स्टॉक को भी दोस्तों क्या करिएगा, अपनी रडार में जरूर रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों अगले स्टॉक की जो है जस्ट डायल। जस्ट डायल में दोस्तों एक पैटर्न देखने को मिला था, और हमने आपको जो सेलिंग रिकमेंड करी थी वो करी थी 930.45 रुपए पे। तो क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट डायल के चार्ट पे जाएंगे और जस्ट डायल के चार्ट पे समझेंगे। तो यहां पे दोस्तों बात करेंगे, और यहां पे पहले आप इसको देखिए दोस्तों, यहां पे एक पैटर्न मिला था दोस्तों जिसको बोलते हैं डार्क क्राउड कवर पैटर्न, और 4 वर्ल्डी के चार्ट पे था, और 930 रुपए पे हमने बोला था कि आप इसमें पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जस्ट डायल के चार्ट पे जाते हैं और यहां पे हम समझते हैं। तो यहां पे दोस्तों मैं क्या करता हूं, इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ऑलरेडी जूम है ये,
और यहां पे देखेंगे कि यहां पे इस एरिया में पैटर्न मिला था दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हमें देखने को मिला था दोस्तों जस्ट डायल में, और यहां पे दोस्तों इसमें सेलिंग कंफर्म हो गई थी, बट आज हमें दोस्तों ये स्टॉक मिला था 930 रुपए के आसपास। तो हमने क्या करा, इसमें हमने पोजीशन शॉर्ट में बना ली और इसने जो क्लोजिंग करी है दोस्तों 913 रुपए के आसपास की क्लोजिंग करी है। अब बात करेंगे कल के दिन में आप जस्ट डायल में किस तरीके की स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं, किस तरीके का ट्रेड बना सकते हैं और किस तरीके से आप जस्ट डायल से पैसा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मतलब जो होना चाहिए वो होना चाहिए पैसे से, आपको स्टॉक से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको पैसा अगर रिलायंस में आता है तो आपको रिलायंस से लेना है, और आपको डीएलएफ में आता है तो आपको डीएलएफ में लेना है। आपको कभी भी स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बनना कि भैया ये मेरा फेवरेट स्टॉक है मुझे इसी में काम करना है, या तो मेरा फेवरेट जो स्टॉक है दोस्तों वो है अदानी एंटरप्राइजेस में को उसी में काम करना है। फेवरेट फेवरेट कुछ नहीं होता मार्केट में, फेवरेट वो होता है जिससे दोस्तों आप उस दिन पैसा कमा लें। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको स्टॉक अपने चुनने पड़ते हैं और चुन के ट्रेड करना पड़ता है, और आपको जो मतलब होता है दोस्तों वो पैसे से होता है जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आपको स्टॉक से कोई मतलब नहीं होता। और बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखते हैं और चार्ट के अकॉर्डिंगली दोस्तों आप क्या करते हैं अपना ट्रेड बनाते हैं। अब यहां पे दोस्तों बात करेंगे इसके टारगेट और एसएल की। तो यहां पे दोस्तों इसमें जो सेलिंग कन्फर्म हुई थी दोस्तों, बोलना चाहूंगा 883 पे इसमें सेलिंग कन्फर्म्ड हुई थी, तो ये क्या है सेलिंग का रेट था दोस्तों। और इसमें अगर मैं एसएल की बात करूं, एसएल बड़ा है क्योंकि 4 अवर्ली का चार्ट है, तो एसएल इसमें बनता है 1045 का। तो यहां पे अब बात करेंगे कि अब 883 पे आपने माइनस करा, 883 पे आपने सेल करा और 1045 का स्टॉप लॉस है। अब आप में से कई लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि मैं टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे निकालता हूं, तो आप 1:1 का टारगेट और एसएल ले सकते हैं। कैसे दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं। आपको सिंपल सिंपल क्या करना, आपको सिर्फ सिर्फ कैलकुलेटर पे जाना है और कैलकुलेटर पे आप 1045 माइनस कर दीजिए 883 को, जो हमारा सेलिंग का लेवल है। अब इसमें से दोस्तों क्या करेंगे, ये आपका एक पॉइंट निकल गया है जो था 162। अब यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको फिर से हम नील करेंगे और यहां पे देखेंगे 162 यानी कि 883 यानी कि जो सेलिंग लेवल है वहां से आपने 162 माइनस करें तो यहां पे आया 721। तो आपका जो टारगेट बनता है वो बनता है दोस्तों 721 का। तो अब आप में से कई लोग जानना चाह रहे होंगे 721 हमने कैसे निकाला और इतना बड़ा टारगेट हमें कैसे देखने को मिल सकता है। बोलना चाहूंगा ये क्या है, सेलिंग का लेवल है और ये क्या स्टॉप लॉस है। इन दोनों में जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस आपको क्या करना है, टारगेट में लेना है। और टारगेट हमारा आया 721। H4 का चार्ट है, बड़ा क्या हो सकता है दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, बट इंट्राडे के लिए आप उसमें क्या कर सकते हैं, डेली के बेसिस पे आप इसमें से ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, आज भी हमने इसमें से पैसा बनाया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में। तो ये तीन स्टॉक थे दोस्तों जो मैंने चार्ट एनालिसिस के ग्रुप पे आपको भेजे थे। अब सीधा जाएंगे दोस्तों कहां पे, अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो स्टॉक है वो रिकमेंड करते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे और यहां पे देखेंगे। तो दोस्तों पहला जो स्टॉक है जिसके बारे में बात करना चाहेंगे यहां पे लेके जाते हैं वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। तो सेंचुरी टेक्सटाइल के चार्ट पे जाते हैं और इसको क्या करते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल का चार्ट हमने लगा दिया और ये स्पॉट मार्केट का चार्ट है, और यहां पे हम क्या करते हैं, इसका जो चार्ट का जो टाइम फ्रेम लगाते हैं वो लगाते हैं दोस्तों 4 अवर्ली का चार्ट। तो 4 अवर्ली के चार्ट पे दोस्तों हमने जो आपको रिकमेंड करा था वो 518.80 रुपए के आसपास करा था। अब फिलहाल वैसे ही हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैसेज थे हमने अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे भेजे थे। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे हमने कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। कई लोग क्या कहते हैं जी, आपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करते, हमें क्यों नहीं करते? तो कहना चाहूंगा आपके लिए पब्लिक चैनल अवेलेबल है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे क्या करते हैं, हम कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं और यहाँ पे वो मैसेजेस हम भेजते हैं जो चार्ट से रिलेटेड होते हैं। हम यहाँ पे कोई टिप्स नहीं देते। कई लोग सोचते हैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे टिप्स देते हैं, हाँ कोई स्ट्रेटजी है या फिर कोई शॉर्ट शॉट है तो हम भेज देते हैं। वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट पोस्ट कर देते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। इसलिए मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करता हूँ, क्योंकि उनको टेक्निकल आता है और वो इन मैसेजेस को समझ सकते हैं। जब आपको टेक्निकल ही नहीं आता, मैसेजेस को आप समझ ही नहीं सकते, तो आपको क्या ट्रेड बनाएंगे उस पर। तो यहाँ पे हमने सेंचुरी टेक्सटाइल आपको रिकमेंड करा था दोस्तों। रीजन क्या था, क्योंकि 4 अवर्ली चार्ट पे यहाँ पे पैटर्न मिला था जिसको बोलते हैं हम इवनिंग स्टार, ठीक है।
और ये जो H4 में चार्ट पे पैटर्न बना था और इसमें जो सेलिंग कंफर्म्ड हुई है, यहाँ पे बात करेंगे सेलिंग कंफर्म्ड हुई है दोस्तों, वो ये 524.60 रुपए पे स्टॉप लॉस बनता है इसका 550 के आसपास का, और दोस्तों इसमें क्लोजिंग हुई है 517 रुपए के आसपास। तो इसमें आप पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। इसमें जो टारगेट हमें देखने को मिल रहा है बहुत जल्दी 500 रुपए के नीचे स्टॉक देखने को मिल सकता है, इसको भी अपनी रडार में रखिएगा। बट सेलिंग का जो लेवल है वो 525 रुपए के आसपास का है। कहना चाहूंगा हमारा जो चैनल है वो एक एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे पता किसी स्टॉक पे कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है। तो यहाँ पे अगला जो स्टॉक हमने रिकमेंड करा था वो था टाटा केमिकल। रीजन क्या था दोस्तों, इसके चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे ही हम आपको समझाते हैं, क्योंकि ये स्टॉक भी हमने क्या करा था आपको आज के दिन में रिकमेंड करा था सेलिंग के लिए। रीजन क्या था दोस्तों, फिर से हम यहाँ पे जानेंगे समझेंगे इसे। यहाँ पे दोस्तों एक पैटर्न मिला था जिसको बोलते हैं हम बेरिश हैरामी इन टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में बेरिश हैरामी मिला था। और दोस्तों आपको करना क्या, अब मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे आपने अगर पोजीशन शॉर्ट में बनाई होगी इसकी 778 पे, तो अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो ये 780 के आसपास स्टॉप लॉस बनता है इसमें, यहाँ पे 793 के आसपास का, तो इसमें पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं, इसमें भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे स्टॉक थे जो रिकमेंड करे थे हमने यहाँ पे, तो सब स्टॉक्स के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो कहना चाहूँगा आप भी चाहें तो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसके लिए हम बताना चाहूँगा दोस्तों, तो इसमें हम अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों जो आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप चाहें तो आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, वहाँ पर जाके सिर्फ और सिर्फ आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको क्रिएट एन अकाउंट में जाके अपनी यूजर आईडी क्रिएट करनी है, और वहां से जाके आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सिखाई जाती है। कहना चाहूंगा दोस्तों कंटेंट और क्वालिटी बहुत अच्छी है, वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए वीडियो आपकी रहेगी। इसमें दोस्तों अपना प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है वो आपको देंगे। संडे का वेबिनार है दोस्तों, हर संडे हम लाइव वेबिनार करते हैं जिसमें लाइव अपने आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी रहेगी दोस्तों वो मैं ही सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों मीटअप भी करते हैं, और ये जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। तो आपको पे करना है वन टाइम, और जिंदगी भर के लिए ना दोस्तों आपको सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से, कभी भी कॉल करिए हमें। अब यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों कोर्स की जो फीस है वो है 8,000 रुपए, इसके साथ साथ हमारा ऑप्शन का कोर्स है, चाहे तो आप ऑप्शन का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आपको जो समय लगता है वो 1.5 से 2 महीने लगते हैं। 1 से 1.5 महीने की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो वीडियोस मैं आपको दूंगा उसको आपको पढ़ना है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और दोस्तों अगर आप मन लगा के आप काम करेंगे, मन लगा के स्टडी करेंगे, तो आपकी भी एक्यूरेसी 70 से 80% की हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हम आपको पूरा उसमें सपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा अगर दोस्तों अगर आप किसी अच्छे ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं तो 2 ब्रोकर के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन ब्रोकर में से किसी भी एक के पास आप डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए। मैं संडे का जो वेबिनार है ना आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।